नमस्ते, मैं हूं रितिका सिंह। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त, 100 बात की 1 बात का। नए साल पर दर्शनों के लिए लगी भीड़ बेकार होने से वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ मच गई, जिसमें 12 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। हरियाणा के भिवानी में जमीन खिसकने से दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने देश के 23 राज्यों में अपने पैर पसार दिए और अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश चुनाव प्रचार में मुफ्त बिजली का वादा किया, जिस पर योगी आदित्यनाथ ने निशाना साधा। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुई AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की एक चुनावी रैली में भगदड़ मच गई। ओवैसी वहां बीते 3 महीने में दूसरी बार रैली करने पहुंचे, जिनको देखकर रैली में आए लोग बेकाबू हो गए और बैरिकेड तोड़कर मंच के करीब पहुंचने के लिए एक दूसरे को धक्का देते नजर आए। ये देख मंच से कार्यक्रम का संचालन कर रहे एक आदमी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की, लेकिन भीड़ ने इस अपील को अनसुना कर दिया। आप पीछे रहिए। तो इस दौरान वहां एक बार नहीं कई बार अपील की गई, मगर हाथों में पार्टी का झंडा लिए लोगों ने मंच के करीब पहुंचकर ही दम लिया। इस भगदड़ और धक्का मुक्की से रैली कवर करने पहुंचे मीडिया कर्मियों को भी कुछ देर के लिए परेशानी उठानी पड़ी। मीडिया के भाइयों को बहुत परेशान करें प्लीज। लेकिन इससे पहले रैली में आए नेताओं ने अपने भाषणों के जरिए जनता में जोश भरने की कोशिश की और जैसे ही ओवैसी रैली में पहुंचे, उनका स्वागत करने के लिए मंच पर मौजूद लोगों में होड़ लग गई। इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने रैली में आए लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया, मगर ओवैसी को देखते ही भीड़ बेकाबू हो गई। 100 बात की 1 बात ये कि यूपी चुनाव में मुस्लिम समुदाय के वोटर्स को साधने के लिए ओवैसी ने पूरी ताकत झोंक दी है और इसी कड़ी में वो प्रचार करने के लिए सहारनपुर पहुंचे, जहां उनको देखकर रैली में आए लोग बेकाबू हो गए। हालांकि इस भगदड़ और धक्का मुक्की में किसी को चोट नहीं लगी। नए साल के मौके पर वैष्णो देवी धाम में बची भगदड़ में 12 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 15 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। इस हादसे की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं और जो लोग इस हादसे में घायल हुए उन्हें फौरन अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस रवाना कर दी गई। इस हादसे के बाद की जो तस्वीरें सामने आई, उसमें कई लोग जान बचाने के लिए टिन शेड के लिए लगाए गए खंभों पर चढ़ गए, जबकि बाकी के श्रद्धालु अपनी जान बचाने के लिए भीड़ से अलग होने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन भीड़ के आगे लोगों की कोशिश धरी की धरी रह गई। लोगों का ऐसा रेला वहां नजर आया जिसे काबू करने में प्रशासन के भी पसीने छूट गए। लोग जान जोखिम में डालकर भवन की ओर बढ़ते दिखे। वहां की कोई गली और कूचा ऐसा नहीं बचा जहां श्रद्धालु मौजूद ना हो। इस हादसे के कुछ चश्मदीदों ने बताया कि क्षमता से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे, जिसकी वजह से हालात बिगड़े। बहुत ज्यादा लोग थे वहां, मतलब कंट्रोल ही नहीं हुआ। जो साइन बोर्ड है ना, उसकी तरफ से कोई प्रबंध नहीं था किसी भी प्रकार का। जबकि कुछ श्रद्धालुओं ने आरोप लगाया कि सुरक्षा में तैनात कर्मचारियों ने भीड़ पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज किया, जिसे इस हादसे की वजह माना जा रहा है। हालांकि जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से हादसे की जाँच के लिए 3 सदस्यों की एक कमेटी बना दी गई है, जबकि जो लोग भगदड़ में घायल हुए उन्हें फौरन इलाज के लिए कटड़ा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया और मारे गए लोगों के शवों को ताबूत में रखकर एम्बुलेंस से उनके घर के लिए रवाना कर दिया गया, जबकि गंभीर रूप से घायलों को बेहतर इलाज के लिए जम्मू के नारायणा अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। इंजर्ड हैं अभी तक, उनको डायरेक्ट श्राइन बोर्ड की तरफ से नारायणा में उनको जेरे इलाज किया गया है। श्राइन बोर्ड पर लापरवाही के आरोप लगे तो वहां के लोगों का गुस्सा भी फूट पड़ा और कुछ लोगों ने कटड़ा बस स्टैंड पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। इन प्रदर्शनकारियों ने सवाल उठाया कि क्षमता से ज्यादा श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए क्यों भेजा गया। आपने 1 करोड़ यात्रा किस लिए भेजी ऊपर, बाकी लाठी चार्ज किस लिए किया। इस हादसे के बाद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह घायलों का हाल जानने के लिए नारायणा हॉस्पिटल पहुंचे, जिन्होंने ये ऐलान किया कि भविष्य में ऐसे हादसों से बचने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर दुख जताया और मारे गए लोगों के घर वालों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा प्रधानमंत्री राहत कोष से देने का ऐलान किया। मेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से भी बात हुई है, राहत के काम का, घायल के उपचारों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। लोगों की मदद के लिए प्रशासन की ओर से हेल्पलाइन नंबर जारी किए, साथ ही इस हादसे की जांच के भी आदेश दे दिए गए। मुआवजा की घोषणा हुई है, एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाई गई है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी वैष्णो देवी मंदिर में हुई भगदड़ पर ट्वीट कर दुख जताया और घायलों के जल्द ठीक होने के लिए प्रार्थना की। सौ बात की एक बात ये कि वैष्णो देवी धाम में हुई भगदड़ पर श्राइन बोर्ड की ओर से एक बयान जारी कर बताया गया है कि रात करीब 2:15 बजे ये घटना हुई, जिसके बाद फौरन स्थानीय प्रशासन और लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। लोगों की मदद के लिए हेल्प डेस्क बनाने के साथ ही हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए। LG मनोज सिन्हा भी पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं और वहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो इसके लिए जरूरी निर्देश भी श्राइन बोर्ड और स्थानीय प्रशासन को दिए गए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मरीजों के बीच राज्य सरकार में भी कोरोना का विस्फोट हुआ है। राज्य के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक राज्य सरकार में शामिल 10 मंत्री और 20 से ज्यादा विधायक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने यह भी कहा है कि अगर कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती रही तो सरकार और कड़े प्रतिबंध लगा सकती है। उन्होंने कोरोना की चेन तोड़ने और कड़ी पाबंदियों से बचने के लिए लोगों से कोरोना नियमों का पालन करने की अपील की। पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 8,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आ चुके हैं, जो एक दिन पहले के मुकाबले करीब 50% ज्यादा है। चिंता की बात तो ये है कि अकेले मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,300 से ज्यादा नए मरीज सामने आ चुके हैं। 5 दिवसच अधिवेशन आम्ही ठेवलेलं होतं, तरी 5 दिवसामध्ये जवळपास आत्तापर्यंत 10 मंत्र्यांना करोनाची लागण झालेली आहे। जवळपास 20 पेक्षा जास्त आमदारांना करोनाची लागण झालेली आहे। अमेरिका के कोलोराडो राज्य में जंगलों में लगी आग का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें आग की लपटों में कुछ इमारतें घिरी दिखी। वहां इस आग की वजह से अब तक 33,000 लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि आग ने ऐसा तांडव मचाया कि लोगों की जिंदगी दांव पर लग गई। कोलोराडो से सामने आई एक तस्वीर में जंगलों के बीच कुछ इमारतें धधकती नजर आई। आग इतनी खतरनाक थी कि उसे बुझाना दमकल विभाग के लोगों के लिए नामुमकिन सा हो गया। इमारतों से उठती ऊंची ऊंची लपटें सब कुछ तबाह करने पर आमादा दिखी। इतना ही नहीं, चारों तरफ से आग से घिरे कुछ मकानों से डरावनी आवाज भी आती सुनाई दी। इस बीच फायर ब्रिगेड का एक कर्मचारी इन लपटों से जूझता दिखा। उसने धधकते मकान की दीवार पर चढ़कर रुक रुक कर पानी की बौछार की ताकि किसी तरह आग को काबू में किया जा सके, लेकिन उसकी इस कोशिश का कोई खास असर नहीं हुआ। यही नहीं, कुछ मकान तो आग में जलकर धराशायी भी हो गए। सौ बात की एक बात ये कि अमेरिका के कोलोराडो में गर्मी और तेज हवाओं की वजह से जंगलों में लगी आग फैलती चली गई, जिसमें अब तक करीब 600 मकान जलकर राख हो गए हैं। इनमें होटल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और फ्लैट भी शामिल हैं। इसके अलावा जंगलों में लगी आग ने लगभग 650 हेक्टेयर के हिस्से को भी जलाकर राख कर दिया। पीएम मोदी ने किसानों को तोहफा दिया। नए साल के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया। पीएम ने किसान सम्मान निधि की 10वीं किश्त जारी करते हुए किसानों के खाते में 20,000 करोड़ से ज्यादा की रकम ट्रांसफर की। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 10वीं किश्त में किसानों के बैंक खातों में 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में फ्री टैबलेट योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत 2,65,000 छात्रों को फ्री में टैबलेट दिए जाएंगे। 2,65,000 सभी छात्रों को, छात्राओं को, जिनको सभी को टैबलेट मिलेंगे, उन सभी को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देश में कोरोना के मामलों में तेजी से उछाल आया और एक दिन में 20,000 से ज्यादा केस सामने आए। वहीं नए वेरिएंट ओमिक्रॉन अब तक देश के 23 राज्यों में फैल चुका है। इसके सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र और दिल्ली से आए। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच देश भर में 15 से 18 साल के बच्चों की वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया। इसके तहत वो सभी लोग जिनका जन्म 2007 या उससे पहले हुआ, वो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही वैक्सीन लगवा सकते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र देते हुए BJP पर जमकर हमला बोला। उन्होंने हाल ही में हुई IT की छापेमारी का मुद्दा उठाते हुए योगी सरकार को घेरा। साथ ही ऐलान किया कि यूपी में उनकी पार्टी की सरकार बनने पर लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री में दी जाएगी। समाजवादी लोग जब सरकार बना लेंगे तो 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री होगी।
दिल्ली के इंद्रपुरी इलाके में एक ड्रग्स तस्कर को पकड़ने गए दो पुलिस वालों पर लोगों ने हमला कर दिया। जान बचाने के लिए पुलिस वालों ने हवाई फायरिंग की, जिसका एक वीडियो सामने आया जिसमें दिखा कि गुस्साए लोगों ने दोनों पुलिस वालों को घेर लिया और देखते ही देखते इन लोगों ने पुलिस वालों पर पथराव शुरू कर दिया। पथराव होते ही दोनों पुलिसकर्मी पीछे हटने लगे, लेकिन भीड़ ने पथराव बंद नहीं किया। बंदूक लेके चल रहे, लिहाजा पहले तो इन पुलिस वालों ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर दिखाकर भीड़ को पीछे करने की कोशिश की, लेकिन जब इससे भी बात नहीं बनी तो एक पुलिस वाले ने एक के बाद एक दो गोलियां हवा में चला दी। ये देख, देख। इसके बाद भी उग्र भीड़ ने दोनों का पीछा नहीं छोड़ा और उन्हें कुछ दूर तक दौड़ा लिया। इस 30 सेकंड के वीडियो में दो लड़के गाली गलौज करते हुए पुलिस वालों का पीछा करते हुए नजर आए, मगर वो किसी तरह भीड़ के चंगुल से बच निकलने में कामयाब रहे। सौ बात की एक बात यह कि धर्मवीर नाम के एक ड्रग्स तस्कर को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टीम इंद्रपुरी पहुंची थी, लेकिन जैसे ही इस टीम ने ड्रग्स तस्कर को पकड़ने की कोशिश की, उसके साथियों ने भीड़ के साथ मिलकर पथराव शुरू कर दिया। बताया गया है कि इस पथराव में पुलिस टीम के 4 लोग घायल हो गए हैं, जबकि पुलिस की हवाई फायरिंग में 2 लोगों के घायल होने की खबर है। हरियाणा के भिवानी में नए साल के पहले ही दिन एक बड़ा हादसा हो गया। वहां डाडम खनन क्षेत्र में जमीन खिसकने से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूट गया। पहाड़ से गिरे पत्थरों के नीचे कई गाड़ियां दब गई। हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोगों की हालत गंभीर है, जिन्हें फौरन इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये दर्दनाक हादसा उस वक्त हुआ जब बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से वहाँ कई मजदूर पहाड़ काटने के काम में जुटे थे, तभी जमीन खिसकने की वजह से पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे, जिसकी चपेट में वहां काम करने वाले कई लोग आ गए। यही नहीं, बड़े बड़े पत्थरों के बीच कई मशीनें और गाड़ियां भी दब गई। इस घटना के बाद तो वहां हाहाकार मच गया। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस की कई टीमें वहां पहुंच गईं और बिना वक्त गवाए राहत बचाव का काम शुरू किया। मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए पत्थरों को काटने का काम शुरू किया गया, ताकि वक्त रहते उन्हें बचाया जा सके। हादसे की जानकारी मिलते ही राज्य के कृषि मंत्री जेपी दलाल भी वहां पहुंचे, जिन्होंने अधिकारियों को युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के निर्देश दिए। जल्दी हो सकता है तो फंसी हुई गाड़ी है, पत्थर काट करके निकालें। इस हादसे में कुछ लोगों की मौत हो गई और कई घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें कुछ लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं इस हादसे के बाद गृह मंत्री अमित शाह और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ट्वीट कर दुख जताया। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी हादसे पर दुख जताया। जो दबे हुए लोग हैं उनकी सुरक्षित आए, ये मेरी दुआ है। प्रदूषण की वजह से 2 महीने पहले ही पहाड़ खनन के काम पर रोक लगाई गई थी, लेकिन एनजीटी ने 30 दिसंबर को ही खनन का काम दोबारा शुरू करने की मंजूरी दी थी, लेकिन नए साल के पहले ही दिन वहां ये हादसा हो गया। सौ बात की एक बात ये कि हादसे के बाद वहां एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सेना की एक टीम को भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया गया है। पहाड़ों से गिरे बड़े बड़े पत्थरों को हटाने और उन्हें काटने का काम जारी है। यह हादसा कैसे हुआ, इसके कारणों का पता भी लगाया जा रहा है और ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि पहाड़ अपने आप खिसका या फिर पहाड़ तोड़ने के लिए किए गए धमाकों की वजह से यह हादसा हुआ। महाराष्ट्र के नासिक में कुएं में गिरे तेंदुए के एक बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। वन विभाग के अधिकारियों ने यह बताया है कि तेंदुए का बच्चा रात में शिकार की तलाश में कुएं में गिर गया था, जिसका पता चलते ही उसे बचाने के लिए फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। सबसे पहले वन विभाग के अधिकारियों ने रस्सी से बांधकर कुएं में एक चारपाई उतारी, जिस पर तेंदुए का बच्चा बैठ गया। इसके बाद रेस्क्यू टीम ने कुएं में एक पिंजरा उतारा, लेकिन चारपाई और पिंजरे के बीच की दूरी ज्यादा होने की वजह से तेंदुए का बच्चा उसमें नहीं गया। इसके बाद चारपाई को नजदीक ले जाया गया और जैसे ही चारपाई पिंजरे के पास पहुंची, उस पर बैठा तेंदुए का बच्चा बड़े आराम से पिंजरे में दाखिल हो गया। खटिया पानी में डाल के उसको बैठने के लिए जगह उपलब्ध कर दी। पूरे तैयारी के साथ उस बिपट को केज पानी के अंदर छोड़ के उससे बाहर निकाला। पिंजरे के अंदर पहुंचते ही तेंदुए के बच्चे को तुरंत कुएं से बाहर निकाल लिया गया और फिर वन विभाग की टीम उसे गाड़ी में डालकर वहां से ले गई।
सौ बात की एक बात यह कि रात में शिकार करने के चक्कर में तेंदुए का बच्चा कुएं में गिर गया था। सुबह होने पर आसपास के लोगों ने वन विभाग को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला और फिर जांच के बाद उसे फिर से जंगल में छोड़ दिया। कोरोना के खतरे के बीच दुनिया के कई देशों में नए साल का धूमधाम से स्वागत किया गया। नए साल के मौके पर उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग रोशनी से नहा गई, जहां लोगों ने जोरदार तरीके से नए साल का जश्न मनाया। घड़ी की सुइयों ने जैसे ही 12 बजने का इशारा किया, हर तरफ से सिर्फ आतिशबाजी की आवाज सुनाई देने लगी। इससे पहले हजारों लोग सेंट्रल कमेटी बिल्डिंग के सामने जमा हुए और 12 बजते ही सभी अपनी अपनी जगह खड़े हो गए। इसके बाद झंडा फहराया गया। वहां नए साल के मौके पर ये समारोह उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन की सत्ता के 10 साल पूरे होने पर आयोजित किया गया। कुछ ऐसा ही नजारा थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भी देखने को मिला, जहां चायो प्राया नदी के पास जमकर आतिशबाजी की गई। इस दौरान पूरा इलाका रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा। सौ बात की एक बात यह कि दुनिया भर के देशों में अलग अलग तरीके से नए साल का स्वागत किया गया। लोगों ने आतिशबाजी की, मजा लिया और एक दूसरे को नए साल की बधाई भी दी। हालांकि कोरोना के बढ़ते खतरे की वजह से कई देशों में सख्ती बरती गई ताकि महामारी को फैलने से रोका जा सके। केंद्र सरकार ने कोरोना के खतरे से निपटने के लिए राज्यों को एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में केंद्र ने राज्यों को टेम्पररी हॉस्पिटल बनाने और होम आइसोलेशन में मरीजों की निगरानी के लिए विशेष टीमें गठित करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी राज्यों को उनके हर जिले में कंट्रोल रूम बनाने के निर्देश भी जारी किए गए। केंद्र की तरफ से चिट्ठी में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का जिक्र भी किया गया है और ये लिखा गया है कि यूरोप और अमेरिका में ओमिक्रॉन की वजह से मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ रही है और इसीलिए सभी राज्य अपने यहां अस्पताल, दवाएं और बाकी स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त कर ले ताकि किसी भी हालात से निपटा जा सके। आरबीआई के नए नियम लागू हो गए। नए साल की शुरुआत से आरबीआई ने कुछ नए नियम लागू कर दिए, जिसके तहत डेबिट और क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन पेमेंट करने का तरीका बदल जाएगा। आरबीआई ने कार्ड के डेटा को लीक होने से बचाने के लिए नया नियम बनाया, जिसकी वजह से किसी भी वेबसाइट पर ग्राहकों की सेव की हुई जानकारी अपने आप डिलीट हो जाएगी। यानी ग्राहकों को अपने कार्ड की पूरी जानकारी हर बार पेमेंट के लिए देनी होगी। इसके अलावा भी कई नियमों में बदलाव किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह यूपी के मेरठ जाएंगे, जहां वो मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखेंगे, जिसे बनाने पर करीब 700 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। बताया गया कि इस यूनिवर्सिटी में विश्व स्तरीय सुविधाएं होंगी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एलओसी के पास भारत और पाकिस्तान के जवानों ने नए साल के मौके पर मिठाइयां देकर एक दूसरे को बधाई दी। गुजरात के वडोदरा में बीजेपी की महिला पार्षद ने अपने बेटे को थाने से छुड़ाने के लिए जमकर हंगामा किया। पुलिस ने उनके बेटे को शराब के नशे में होने के आरोप में पकड़ा था, जिसके बाद वो थाने पहुंच गई और पुलिस की इस कार्रवाई पर सवाल उठाए। फिल्म एक्टर मृणाल ठाकुर का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर दी। कोरोना के हल्के लक्षण दिखने के बाद उन्होंने इसकी जांच करवाई थी। बाद में सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने खुद को आइसोलेट करने की भी बात कही। विधानसभा चुनाव में जनता को लुभाने के मकसद से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बड़ा ऐलान किया। अखिलेश यादव ने प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा लोगों से किया। समाजवादी लोग जब सरकार बना लेंगे तो 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री होगी। अखिलेश के इस वादे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कटाक्ष किया। सरकार आएगी तो हम मुफ्त बिजली दे देंगे। अरे जब आप बिजली ही नहीं देते थे तो मुफ्त कहां से होता, तो उल्टा जनता से जो वसूली करते थे इसके लिए माफी तो मांग लो। उत्तर प्रदेश के कानपुर से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई है। वहां मामूली विवाद में कुछ लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें साफ दिखा कि 5 लोगों के 2 मोटरसाइकिलों पर वहां पहुंचने के बाद इलाके में बवाल होने लगा। वो लोग एक मकान पर हमला बोलने लगे, जिन्हें दूसरी तरफ से भी बराबर का जवाब मिला। दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई, गाली गलौज होने लगी। इस घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई, जिसमें मोटरसाइकिल से पहुंचे लोग लगातार एक मकान पर पत्थर बरसाते दिखे, जिन पर उस मकान में रह रहे लोगों ने भी ऊपर से पत्थर फेंके। ऐसा उन्होंने तब किया जब वो बवाल खड़ा करने के बाद वहां से लौट रहे थे।
सौ बात की एक बात यह कि मामूली विवाद में बात इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे पर हमला करने से भी नहीं चुके। गाली गलौज भी उन लोगों के बीच में हुई और इसी हंगामे को किसी ने वहां रिकॉर्ड कर लिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने में देर नहीं लगी। अंतरिक्ष में पृथ्वी पर एक नया खतरा मंडरा रहा है और जल्द ही एक भारी भरकम उल्कापिंड पृथ्वी के करीब से गुजरेगा। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के मुताबिक आने वाले हफ्तों में पृथ्वी के नजदीक से 3 उल्कापिंड गुजरेंगे, लेकिन इनमें एक विशाल इमारत की आकार का उल्कापिंड 11 जनवरी को पृथ्वी के दायरे में आएगा, जिसका नाम अमेरिकी स्पेस एजेंसी ने 2013 YD-48 रखा, जो करीब 104 मीटर चौड़ा बताया जा रहा है, जिसकी चाल पर नासा नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि इसकी चाल में जरा सा भी बदलाव पृथ्वी के लिए परेशानी खड़ा कर सकता है। हालांकि उल्कापिंड का पृथ्वी के पास से गुजरना एक सामान्य घटना है, लेकिन जब कोई विशाल इमारत के आकार का उल्कापिंड धरती के पास से गुजरता है तो ये अंतरिक्ष में पृथ्वी पर खतरा पैदा कर सकता है। इत्र कारोबारी पीयूष जैन पर कार्रवाई के बाद कुछ और इत्र कारोबारियों के ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की है। जिनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई उनमें समाजवादी पार्टी के MLC पुष्पराज जैन के अलावा मोहम्मद याकूब भी शामिल है। जिनके कन्नौज वाले घर पर सुबह सुबह आयकर विभाग टीम पूरे दलबल के साथ पहुंची और फिर कुछ ही देर बाद वहां एक नोट गिरने वाली मशीन मंगाई गई। ये मशीन एक साइकिल पर लादकर मोहम्मद याकूब के ठिकाने पर लगाई गई और 4 बैंक कर्मचारियों को भी वहां बुलाया गया। इतना ही नहीं, वहां एक कंप्यूटर और फोटोकॉपी मशीन भी लाई गई। इस कार्रवाई के दौरान घर के अंदर पुलिस की एक टीम भी मौजूद रही। नोट गिनने की मशीन आई है, जिससे ये अंदाजा लग रहा है कि यहाँ पर कैश हो सकता है और इस कैश को गिनने के लिए मशीन आई है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के MLC पुष्पराज जैन के ठिकानों पर दूसरे दिन भी छापेमारी जारी रही। सौ बात की एक बात यह कि 9 नवंबर को पुष्पराज उर्फ पंपी जैन ने समाजवादी इत्र लॉन्च किया था और इसके 1.5 महीने बाद पंपी जैन के देश भर में मौजूद ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा। इस पर समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाया और सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के बेजा इस्तेमाल का आरोप लगाया, जबकि BJP इस कार्रवाई को सही बता रही है। इसके अलावा कुछ और इत्र कारोबारी आयकर विभाग की रडार पर हैं, जिनके पास से क्या कुछ बरामद हुआ ये अभी सामने नहीं आया है। यूरोप के देश रोमानिया में हर साल की तरह इस बार भी बुराई को भगाने की परंपरा निभाई गई। इस परंपरा में रोमानिया के सैकड़ों लोग भालू जैसी दिखने वाली पोशाक पहनते हैं और इस बार भी वहां आयोजित कार्यक्रम में कई लोग भालू जैसी दिखने वाली पोशाक पहनकर सड़कों पर निकले। ज्यादातर लोगों ने अपने सिर पर भालू के जैसी दिखने वाली पोशाक पहनी थी। ढोल की धुन पर थिरकते हुए ये लोग शहरों की गलियों में निकले। बताया ये गया है कि इस तरीके से रोमानिया के लोग कई घरों का चक्कर लगाते हैं और उनका मानना है कि उनके ऐसा करने से उन घरों में बुराई दूर भाग जाती है। नए साल पर मंदिर में भीड़ उमड़ी। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच नए साल के मौके पर देश भर के मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ी। मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर में जहां भक्तों की लंबी कतार देखी गई, वहीं पंजाब के अमृतसर के गोल्डन टेंपल में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। यूपी के अयोध्या और मथुरा के मंदिरों में भी भक्तों की भारी तादाद देखने को मिली। AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी के सहारनपुर में एक रैली के दौरान BJP, समाजवादी पार्टी और BSP को निशाने पर लिया। पश्चिम बंगाल में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए नए साल के पहले हफ्ते में आंशिक लॉकडाउन लग सकता है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला सुबह बड़े अधिकारियों के साथ होने वाली अहम बैठक में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लेंगी। संसद की गृह मामलों की स्टैंडिंग कमेटी ने कोरोना और ओमिक्रोन की वजह से हैदराबाद और गोवा की एक हफ्ते की यात्रा स्थगित कर दी। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा की अध्यक्षता वाली इस कमेटी की यात्रा 7 जनवरी से होने वाली थी। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर और श्री शैलम मंदिर के कुछ पुजारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने PM को उन मंदिरों के प्रसाद भी दिए। हैदराबाद से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां एक बस्ती में भीषण आग लगने से कई झोपड़ियां जलकर राख हो गई। हालांकि यह आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन सड़क किनारे बसी इस बस्ती में आग लगने से वहां अफरा तफरी मच गई। वहां रह रहे लोगों की सांसें अटकी रह गई। आग की लपटों में घिरी झोपड़ियों की जलकर राख होने से कई लोगों की सिर से छत छिन गई। आग में सब कुछ इस तरह जलता देख वो घबरा गए। इस बीच जलती हुई झोपड़ियों से सिलेंडर फटने की भी आवाज आई।
इसके बाद तो वहां कोहराम ही मच गया। लपटें तेजी से बढ़ती चली गई और उसने पास के कुछ और मकानों को भी अपने चपेट में ले लिया। कुछ देर के बाद वहां दमकल विभाग की गाड़ी भी पहुंच गई और थोड़ी मेहनत के बाद आग को बुझा लिया गया, लेकिन इन झोपड़ियों में रखा गरीबों का सारा सामान जलकर राख हो गया। सौ बात की एक बात यह कि ऐसी बस्तियां चाहे गांव में हो या शहर में, वहां फूस, टीन, तिरपाल और प्लास्टिक शीट के मकान होते हैं जिनमें आग तेजी से फैलती है। चूल्हे की चिंगारी, मोमबत्ती और दिए की लौ से इन बस्तियों में आग लगने का खतरा हमेशा बना रहता है। ऐसे कई घरों में बिजली का कनेक्शन भी जुगाड़ वाला ही रहता है, जिससे शॉर्ट सर्किट की आशंका भी रहती है। हैदराबाद की इस बस्ती में भी इन्हीं में किसी वजह से आग लगने की आशंका जताई गई है। यूपी के इटावा से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां ग्राम प्रधान ने कुछ लोगों के साथ मिलकर एक ठेकेदार की बीच सड़क पर जमकर पिटाई कर डाली, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। और वीडियो जो सामने आया है उसमें ग्राम प्रधान और उसके साथी बलराम नाम के ठेकेदार पर लात घूंसे बरसाते हुए दिख रहे हैं। इस बीच वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने ठेकेदार को आरोपियों के चंगुल से बचाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। आरोप है कि ग्राम प्रधान और उसके साथियों ने ना सिर्फ ठेकेदार की पिटाई की, बल्कि उसका मोबाइल और 2,000 रुपए भी लूट लिए। पुलिस ने ठेकेदार की शिकायत और वायरल वीडियो के आधार पर 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। 3 जनवरी से 15 से 18 साल तक के बच्चों के कोरोना वैक्सीनेशन के लिए मुंबई में तैयारियां तेज हो चुकी है, जिसकी कुछ तस्वीरें शहर के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से भी सामने आई है, जहां बच्चों को कोरोना की टीका लगाने के लिए अलग से 5 कमरे और वैक्सीन लगने के बाद उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखने के लिए 1 कमरा तैयार किया गया है। ये पूरा हिस्सा है जो 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेट करने के लिए बनाया गया है। यही नहीं, इस सेंटर पर एक हॉल जैसा कमरा भी तैयार किया गया, जहां टीका लगने से पहले लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई। बड़ा वेटिंग रूम है 1,000 लोगों के लिए, पूरा कवर्ड है, फैंस, वेंटिलेशन, वहाँ कैंटीन भी अवेलेबल है। ये सभी तैयारियां ज्यादा से ज्यादा बच्चों को कम से कम समय में टीका लगाने के लिए की गई, ताकि कोरोना मरीजों की संख्या को बढ़ने से रोका जा सके। सौ बात की एक बात यह कि मुंबई में हर 2 दिन में कोरोना के मरीज डबल होते दिख रहे हैं, और इन्हीं आंकड़ों को देखते हुए मुंबई का नगर निगम, बीएमसी और राज्य सरकार वो तमाम व्यवस्थाएं कर रही हैं जिससे जल्द से जल्द वैक्सीनेशन को पूरा किया जा सके। अमेरिका में एक सड़क हादसे के दोषी की कैद की सजा को 1 या 2 नहीं बल्कि 100 साल घटा दिया गया है, और ये फैसला कोलोराडो के गवर्नर ने बीते साल 30 दिसंबर को सुनाया है। उन्होंने दलील ये दी है कि जो अपराध 26 साल के उस अपराधी ने किया था, उसके हिसाब से उसे दी गई सजा का समय ज्यादा है। हुआ कुछ यूं था कि 2019 के अप्रैल महीने में कोलोराडो राज्य का रहने वाला वो शख्स लकड़ी लेकर ट्रक से कहीं जा रहा था, और तभी उसके ट्रक के ब्रेक फेल हो गए थे, जिसके बाद वो उसके आगे चल रही गाड़ियों से जा टकराया था, और इस भिड़ंत में एक के बाद एक कई कारों ने आग पकड़ ली थी, और इस हादसे में 4 लोग अपनी जान खो बैठे थे। और इस मामले में 2019 के दिसंबर में उसे दोषी पाते हुए 110 साल की कैद की सजा सुना दी गई थी, जिसका विरोध आम लोगों ने किया, और आम लोगों के साथ ही हॉलीवुड अभिनेत्री किम कार्डशियन ने भी किया। और यही वजह रही कि लगातार बढ़ते दबाव और विरोध को देखते हुए वहां के गवर्नर ने यह फैसला ले लिया। राजस्थान में कोरोना मामलों में बढ़ोतरी हुई। देश के कई राज्यों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। राजस्थान में जहां पिछले 24 घंटे में 301 नए मामले सामने आए, वहीं देहरादून में ओमिक्रॉन के 4 नए मरीजों का पता चला, जबकि मुंबई में सबसे ज्यादा 6,347 नए मामले सामने आए। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के रिज मैदान को बम से उड़ाने की साजिश का अलर्ट मिलते ही उसे और मॉल रोड को एहतियातन खाली करा लिया गया। इसके साथ ही शहर के सभी भीड़भाड़ वाले इलाके में चौकसी बढ़ा दी गई। कोरोना की बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को अपने यहां अस्थायी अस्पताल बनाने का निर्देश दिया, साथ ही होम आइसोलेशन में मरीजों की निगरानी के लिए विशेष टीम गठित करने की भी बात कही। अपनी चिट्ठी में केंद्र ने राज्यों से हर जिले में कंट्रोल रूम बनाने की भी सलाह दी। दिल्ली के पास हरियाणा के फरीदाबाद में 55 साल की एक महिला की मौत पर लोगों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने सड़क जाम कर दी। आरोप है कि 3 ट्रक यमुना नदी से रेत निकालकर तेज रफ्तार में निकले और उस महिला को कुचलते हुए आगे बढ़ गए, जिससे उसने दम तोड़ दिया। एक डंपर ने तो कुचली दी, उसके साथ 3 डंपर लगातार
उसे निकालते ऊपर से निकालते चले गए। हंगामे की जानकारी मिलने पर पुलिस वहां पहुंची, नाराजगी जता रहे लोगों से बातचीत की और उन्हें इस मामले में कार्रवाई का भरोसा दिया। साथ ही उस महिला के शव को कब्जे में लेकर अस्पताल भेजा गया। जो ये कार्रवाई चाहते हैं, जिस भी धारा में चाहते हैं उसमें की जाएगी। तमिलनाडु में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। पिछले कुछ दिनों से राज्य के अलग अलग जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कुछ लोगों की मौत तक हो चुकी है। कई जिलों में बारिश और आसमान से मुसीबत बनकर बरस रही है। राजधानी चेन्नई में तो भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए। निचले रिहायशी इलाकों में घुटनों से ऊपर तक पानी भर गया। मकान और दुकान में बारिश का पानी घुसने से लोगों की परेशानियां बढ़ गईं। सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं, जिसकी वजह से गाड़ियों का आना जाना तक मुश्किल हो गया। भारी बारिश की वजह से शहर की एक सड़क पर घुटनों तक पानी भर गया। कुछ लोग तो अपने घरों की खिड़की से बाहर की तरफ झांकते रहे। देखने से ऐसा लगा जैसे भारी बारिश की वजह से लोग घरों में कैद होकर रह गए हों। सौ बात की एक बात यह कि तमिलनाडु में भारी बारिश का सितम अभी थमने वाला नहीं है। वो इसलिए क्योंकि मौसम विभाग ने राज्य के कुछ जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। लोगों से घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की जा रही है और साथ ही रेड अलर्ट वाले जिलों में स्कूल कॉलेज बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि जान माल का नुकसान कम हो। उत्तराखंड के रुद्रपुर में उस वक्त हंगामा मच गया जब सुंदर बहादुर और उमेश कुमार नाम के दो कलाकार देहरादून में ऑडिशन कराने के विरोध में डीएम ऑफिस की छत पर चढ़ गए। अधिकारियों के हाथ पांव तब फूल गए जब दोनों ने उनकी मांग की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए छत से कूदने की धमकी दे डाली। इसके बाद तो वहां अफरा तफरी मच गई। थोड़ी ही देर में वहां लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलते ही एसडीएम प्रत्यूष सिंह समेत कई दूसरे अधिकारी दोनों कलाकारों को मनाने के लिए छत पर पहुंच गए, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी दोनों टस से मस नहीं हुए। अच्छा क्या एज है? मेरी 35। मैं आपसे 10 साल कुछ बड़ा तो मारो। बात बड़ा है, बड़ा सबके सामने बात तो ले लीजिए। काफी देर तक अधिकारी दोनों को मनाते रहे और जब उनकी समस्या सुलझाने का भरोसा दिया गया तब जाकर दोनों कलाकारों ने अपनी जिद छोड़ी। बाद में दोनों को समझा बुझाकर छत से नीचे उतारा गया, जिसके बाद सभी ने राहत की सांस ली। आर्थिक रूप से कमजोर हैं हम, कुमाऊं से गढ़वाल मंडल में ऑडिशन देने नहीं जा सकते हैं। आप जिला वाइज उधम सिंह नगर, चंपावत इत्यादि जो भी कुमाऊं के जिले हैं उनमें आप करा। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एक रेस्टोरेंट ने ग्राहकों को लुभाने के लिए अनोखा तरीका निकाला। वहां खिलौनों की ट्रेन के जरिए ग्राहकों तक खाना पहुंचाने की शुरुआत की गई। जिसने रेस्टोरेंट में पहुंच रहे लोगों का खूब ध्यान खींचा। जो तस्वीरें उस रेस्टोरेंट से सामने आई उनमें साफ दिखा कि खिलौनों की इन ट्रेनों ने मालगाड़ी की तरह एक जगह से खाना लेकर दूसरी जगह पहुंचाया। इसके लिए रेस्टोरेंट में किचन से लेकर अलग अलग मेजों तक पटरियां बिछा दी गई, जिनसे गुजरते हुए ट्रेनें ग्राहकों तक उनका ऑर्डर किया गया खाना ले जाने के काम में जुट गई। They'll be handing over the train department and they'll be placing regarding to the respective table. ग्राहकों की मेजों तक जब वो ट्रेनें पहुंची तो इस अनोखे तरीके को देखकर उनकी निगाहें भी टिकसी गई। कोई अपने मोबाइल में इसकी वीडियो रिकॉर्ड करने लगा तो किसी की मुस्कुराहट ने भी रेस्टोरेंट के इस अनोखे तरीके पर अपना अनुभव जाहिर कर दिया। सौ बात की एक बात यह कि ग्राहकों को लुभाने के लिए इस रेस्टोरेंट का मालिक इससे पहले 4 ब्रांच अलग अलग जगहों पर खोल चुका है। सभी रेस्टोरेंट एक अलग थीम पर खोले गए हैं, जो घर से बाहर खाने की इच्छा रखने वालों को पसंद भी आते दिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुई AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की एक चुनावी रैली में भगदड़ मच गई। ओवैसी वहां बीते 3 महीने में दूसरी बार रैली करने पहुंचे। जिनको देखकर रैली में आए लोग बेकाबू हो गए और बैरिकेड तोड़कर मंच के करीब पहुंचने के लिए एक दूसरे को धक्का देते नजर आए। ये देख मंच से कार्यक्रम का संचालन कर रहे एक आदमी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की, लेकिन भीड़ ने इस अपील को अनसुना कर दिया। आप पीछे रहिए। तो इस दौरान वहां एक बार नहीं कई बार अपील की गई, मगर हाथों में पार्टी का झंडा लिए लोगों ने मंच के करीब पहुंचकर ही दम लिया। इस भगदड़ और धक्का मुक्की से रैली कवर करने पहुंचे मीडिया कर्मियों को भी कुछ देर के लिए परेशानी उठानी पड़ी। मीडिया के भाइयों को बहुत परेशान करें प्लीज। लेकिन इससे पहले रैली में आए नेताओं ने अपने भाषणों के जरिए जनता में जोश भरने की कोशिश की और जैसे ही ओवैसी रैली में पहुंचे उनका स्वागत करने के लिए मंच पर मौजूद लोगों में होड़ लग गई। इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने रैली में आए लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया, मगर ओवैसी को देखते ही भीड़ बेकाबू हो गई।
सौ बात की एक बात यह है कि यूपी चुनाव में मुस्लिम समुदाय के वोटर्स को साधने के लिए ओवैसी ने पूरी ताकत झोंक दी है और इसी कड़ी में वो प्रचार करने के लिए सहारनपुर पहुंचे, जहां उनको देखकर रैली में आए लोग बेकाबू हो गए। हालांकि इस भगदड़ और धक्का मुक्की में किसी को चोट नहीं लगी।